हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हमारी कार के टायर्स के ऊपर। एक्चुअली क्या है, हमारी जो कार है वो वॉबल कर रही है चलते टाइम पे। मीन्स जो हमारी कार है वो चलते हुए स्ट्रेट जो खड़ी यूँ चलनी चाहिए, वो चलने के बजाय यूँ 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 हो करके चल रही है। एंड आप नोटिस भी करेंगे आप इधर बैक साइड में कि किस तरीके से कार हिल के चल रही है। देखो आप, स्लो स्पीड पर आपको ज़्यादा फील होगा। ये देखिए आप दोबारा, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है आपके, मेरे जो कार के टायर्स हैं रेयर में अभी लगे हुए हैं, वो पहले फ्रंट में थे। एंड फ्रंट में जो मेरा है कार का लोअर आर्म, वो ख़राब हो चुका था। तो उस वजह से मेरा जो कार की टायर था उसकी कंडीशन काफ़ी बेटर थी, वो भी ख़राब हो चुका है। एंड वो आपको मैं दिखाऊंगा रुकने के बाद में कि वो किस तरह से ख़राब हुआ है। तो उसको हमें अब रिप्लेस कराना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे कार के सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, वो भी ख़राब हो सकते हैं इन टायर्स की वजह से। बिकॉज ये रेगुलरली कार यूं यूं चल रही है, यूं यूं देखिए आप, ठीक है ना। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि टायर को रिप्लेस करा करके। तो चलिए आपको बाहर निकल करके दिखाऊंगा मैं कि कार के टायर किस तरीके से वेयर आउट हो चुके हैं। अगर आपकी भी कार के टायर इस तरह से वेयर आउट हुए, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है एंड इसको कैसे ठीक कराना है। अभी आपने देखा, मैंने वीडियो में आपको दिखाया, जो हमारी कार है वो इस तरीके से वोबल करती है, यूं करके चलती है। उसका मेन रीज़न आएगा कार के टायर ख़राब होना। तो उसके जो कार के टायर ख़राब हैं वो पीछे वाले ख़राब है, बिकॉज जो आगे के टायर हैं वो एकदम न्यू टायर हैं। एंड पीछे के जो टायर ख़राब हैं उनमें से लेफ्ट वाला टायर अनइवनली थोड़ा सा वेयर आउट हो चुका है। एंड जो राइट हैंड साइड का वो काफ़ी हद तक वेयर आउट हो चुका है पूरा ही। तो सो चांसेस है कि जो राइट वाला टायर है, रियर साइड में राइट हैंड साइड वाला टायर है, तो उसकी वजह से ज़्यादा वॉबल कर रही हो, बिकॉज वो पूरा ही वॉर्न आउट हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बाहर से उसकी क्या कंडीशन है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी क्या कंडीशन है। सो ये देखिएगा जी, रियर साइड का राइट हैंड साइड वाला टायर, ये टायर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस वजह से हमारी कार वॉबल कर रही है। एंड बाकी तो ये कार हम जब कार टायर शॉप पे जाएंगे निकलवाने के बाद आपको ज़्यादा बेटर कंडीशन से दिखा सकूँगा कि ये किस तरीके से वॉर्न आउट है। एक चीज़ आपको मैं अभी यहाँ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मेरी जो फिंगर है यहाँ पे लग रही है, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है टायर का वो घिसा नहीं है, ये वाला ज़्यादा घिसा हुआ है। एंड यहीं पर मैं सेम यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको थ्रेड्स भी दिखा दूँ। ये जो थ्रेड्स हैं यही मिस आउट हो चुके हैं पूरे, ये देखिए थ्रेड्स ही नहीं है। तो यही हमारा कल्प्रिट है टायर, जिसकी वजह से हमारी कार वॉबल कर रही है, ठीक है। सो इसको हम चेंज कराएंगे फॉर श्योर। एंड जो दूसरा टायर है उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये वाले टायर की कंडीशन उससे थोड़ी ठीक है, so, आप लोगों ने देखा कि पीछे की जो कंडीशंस मैंने टायर की दिखाई है, जिस वजह से हमारी कार वॉबल कर रही है, तो उन टायर्स को हम रिप्लेस कराएंगे। सो देखते हैं कि एक टायर रिप्लेस करा रहे हैं या फिर दोनों टायर रिप्लेस करा रहे हैं हम। एंड बाकी कार टायर शॉप पे जाकर के आपको दिखाऊंगा मैं कार के जो टायर है निकलने के बाद क्या कंडीशंस हैं कार के टायर की। तो इनको चेंज कराते हैं। एंड आपको मैंने वीडियो में ये भी दिखाया पहले वॉबल कर रही है, टायर चेंज होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि कार में वॉबल है या नहीं है। सो देखिए आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कार से टायर निकलवा चुका हूँ। ये रियर साइड का राइट हैंड साइड का टायर है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा घिसा हुआ है यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ से इसको देखिए आप, दिखाता हूँ यहाँ पे इसमें थ्रेड बाकी हैं, ये जो रहेंगे ये बाकी है। तो इस वजह से जो हमारा कार है जब वो रोड पे चलता है तो वो ऊपर नीचे होता है। तो हम इसको रिप्लेस कराएंगे राइट हैंड साइड का, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड का था इसको भी हम रिप्लेस करा रहे हैं।
इसमें राइट हैंड साइड में 50 ग्राम वेट दिखा रहा है, तो अभी राइट हैंड साइड में भी 50 ग्राम वेट लगाएंगे एकदम ऊपर इसको मैच करके। ये देखिएगा ये शोरूम में क्या बना रखा है, ये पूरा पाथ बना रखा है टायर से। देखिए ये सेंसर प्लेट्स हैं, दो इधर लग गई हैं, दो इस साइड लग जाएंगे। तो इसके बाद जो ये सामने मशीन दिख रही है आपको, ये सेंसर कैच करती है एंड ये स्टेबिलिटी डिसाइड करती है, मीन्स स्टेबिलिटी को बताती है व्हीकल के टायर की, कि जो टायर है हमारा वो कितना इन चल रहा है, आउट चल रहा है, ये जो हमारा कैम्बर है वो इन है आउट है कैसे है, वो सब कुछ ये मशीन बताएगी अभी। तो चलिए इनको करने देते हैं, उसके बाद में बैलेंसिंग और हो चुकी है अलाइनमेंट होने के बाद में आपको दिखाएंगे। लोग अंदर आ गए हैं, हम उधर नहीं गए हैं बिकॉज वहाँ पे सेंसर से जो रीडिंग्स नोट करते हैं उसमें कुछ भी एरर ना आए, इस वजह से हम शोरूम के अंदर से आकर के रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वो सेंसर प्लेट रियर साइड में ये लगी हुई एंड फ्रंट साइड की वो लगी हुई। अब कार के स्टेयरिंग को लॉक कर दिया है स्ट्रेट करके एंड कार को अब जैकअप किया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए कार हमारी लिफ्ट हो रही है, हमारी पूरी जितनी इनको लिफ्ट करनी थी उतनी लिफ्ट कर लिया है एंड रूफ से देखिए थोड़ा सा ही गैप बाकी है। तो अभी सेंसर्स जो हैं वो अपना वर्क करेंगे, ये भी कर रहे हैं अंदर से। कार की अलाइनमेंट डन हो चुकी है एंड इसको अब वापस लिफ्ट डाउन किया जा रहा है एंड इसके बाद ये भी टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद में जो भी कंडीशंस होंगी वो चेक करेंगे, अगर अलाइनमेंट एकदम ओके हुई है तो हम गुड टू गो हैं एंड नहीं हुई है तो जो थोड़े बहुत ट्विक्स हैं वो ये लोग कार ड्राइव करने के बाद चेक करने के बाद कर देंगे। सो अभी आपने देखा कि हमने कार अलाइनमेंट करा चुके हैं, टायर चेंज करा चुके हैं, सब हो चुका है एंड उन्होंने टेस्ट भी लिया था ड्राइव करके, तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाइनमेंट अच्छे से हो चुकी है, मैंने ड्राइव करके भी देखा है एंड अभी मैं आपको सामने के शॉट्स दिखाऊंगा जिसमें आपको कार अब पहले की तरह यूं हिलती हुई नज़र नहीं आएगी। चलिए सामने के शॉट्स दिखाता हूं आपको जिसमें कार स्टेबल चली। सो गाइस आप देखिए कार ड्राइव कर रहा हूं मैं नॉर्मल कंडीशन की तरह एंड अब कार जो हमारी वो इस तरह से वोबल नहीं कर रही है। हाँ दादा इस तरह से वोबल नहीं कर रही है, अब हमारी कार स्ट्रेट चल रही है एंड कोई इशू नहीं है। अब वो कॉर्नर से भी दिखा रहा हूं आपको, ये कॉर्नर से भी देखिए आप, थोड़े बहुत वो रोड के कंडीशन ऐसे हैं देखिए आप, बाकी अब प्लेन रोड है तो आपको ये देखिए परफ्यूम को देखिए, ये भी स्टेबल है, ये भी पहले की तरह ये नहीं हो रहा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, लोगों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बिकॉज काफ़ी लोगों के काम आने वाली वीडियो है ये एंड जल्दी आपसे मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक आप अपना एंड अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। गुड बाय।